हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकेश टू लर्निंग में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आप सभी को यूडाइज प्लस पोर्टल पर अपने स्कूल स्टूडेंट को किस तरह से अपडेट कर सकते हैं या उनको प्रमोट कर सकते हैं उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो प्लीज इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिए। फ्रेंड्स, आपके सामने हमने यूडाइज प्लस का पोर्टल ओपन कर दिया है। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे स्टूडेंट मॉड्यूल लिखा गया है, आप इसे क्लिक करेंगे। जैसे इसे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा गया स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे सिलेक्ट स्टेट टू लॉगिन के लिए कहा गया। आप यहाँ से अपनी सिलेक्ट कर लेंगे अपनी स्टेट को, हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और गो पे क्लिक करेंगे। जैसे गो पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज दिखाई देगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको साइन इन करना होगा, जो आपका यूजर आईडी होगा और पासवर्ड होगा। यूजर आईडी तो आपका जो है अपने स्कूल कोड होगा, वो आपने डाला होगा, और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया होगा आप यहाँ से आप डाल सकते हैं। अदरवाइज अगर आप फॉरगेट हो चुके हैं, भूल चुके हैं अपने पासवर्ड को, तो फॉरगेट पासवर्ड यहाँ पे क्लिक करके आप अपना पासवर्ड जो है रिकवर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप यहाँ पे कैप्चर डालेंगे। चलिए हम जल्दी से कैप्चर डालते हैं और आपको लॉगिन करके दिखाते हैं। फ्रेंड्स, आपके सामने यहाँ पे एकेडमिक ईयर 2023-24 दिखाई दे रहा है और नीचे यहाँ पे एकेडमिक ईयर 2022 और 23। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको 2022 और 23 को ही जाना है। नीचे वाले पे आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्योंकि आप जो है यहाँ पे 22 और 23 के बच्चों को जो है अपडेट कर रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपके सामने देख सकते हैं स्कूल डिटेल आ चुकी है और यहाँ पे ग्रेड वाइज जो है स्टूडेंट की डाटा यहाँ पे दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये 2022 और 23 के है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल स्टूडेंट यहाँ पे 37 है, बॉयज आपके सामने हैं, गर्ल्स इतने हैं, और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये सभी जो है क्लास वाइज के सामने आपके सामने ग्रेड के हिसाब से आपको स्टूडेंट दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये आपको इस तरह से आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। जितने भी स्टूडेंट्स आपके यहाँ पे शो होंगे वो आपके सारे के सारे स्टूडेंट यहाँ पे होने चाहिए। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे टोटल स्टूडेंट जो 37 थे वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो हमें यहाँ कुछ नहीं करना। फ्रेंड्स, आप इसके बाद आप क्या करेंगे, चूज एकेडमिक ईयर, यहाँ आपको राइट साइड पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप इसे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे वापस जो है आप एकेडमिक ईयर पे आ जाएंगे और अब आपको जो है 2023 और 24 को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे ही यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा। आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ कैटेगरी लिखी गई और कौन सा क्लास से कहाँ तक आपका स्कूल है यहाँ पे मेंशन किया गया, ये यहाँ पे आप क्लोज कर लेंगे। जैसे यहाँ पे क्लोज करेंगे फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2023 और 24 का यहाँ पे आपके पास सभी जितने भी हमारे पास ग्रेड हैं या क्लासेस हैं, यहाँ पे आपको सेक्शन के हिसाब से सभी जीरो दिखाई दे रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको 2023 और 24 के हैं। अभी बच्चे जो हैं आपके पास 22 और 23 के थे, आप उनको अपडेट करना है। जैसे ही आप अपडेट करेंगे तो आपको यहाँ पे बच्चे शो होना शुरू हो जाएंगे। इसके लिए फ्रेंड्स, आपको क्या प्रमोशन किस तरह से करनी होगी, तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपको यहाँ पे प्रोग्रेशन एक्टिविटी लिखा गया है, न्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, आपके सामने तीन ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे एक आएगा प्रोग्रेशन मॉड्यूल, दूसरा इम्पोर्ट मॉड्यूल, तीसरा जो है हमारे पास ड्रॉप बॉक्स जो है हमारे पास यहाँ पे दिया गया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे गो पे क्लिक करना होगा। जैसे हम यहाँ पे गो पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का आपको जो है दिखाई दे रहा पेज। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है एलिजिबल फॉर द प्रमोशन के लिए वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है 2022 और 23 के लिए, और जो है यहाँ पे सिलेक्ट होके 2023 और 24 पे वो बच्चे जो है आप अपडेट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप यहाँ पे सिलेक्ट क्लास जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आप क्लास लेना चाहते हैं यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे केजी क्लास थी उस समय जब हमने अपडेट किया था, तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। जैसे क्लिक करेंगे वो नीचे सेक्शन पूछेगा, अगर आपके पास ज़्यादा सेक्शन है तो आप सेक्शन वाइज जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास एक ही सेक्शन थी तो यहाँ पे हमने ए पे क्लिक किया और गो पे क्लिक कर लिया। जैसे यहाँ पे गो पे क्लिक किया तो फ्रेंड्स आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने जो जितने भी बच्चे हैं हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये सभी बच्चे जो हमारे पास वो प्रमोट हो चुके हैं और इनके जहाँ पे डिटेल आ चुकी है। अब इनको हमने प्रमोशन करना है जो 2023 में थे और अब 2024 में जो है एकेडमिक सेशन में आपको डाला। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोग्रेशन स्टेटस पे यहाँ पे 2022 और 23 लिखा गया है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि आपका कौन सा ऑप्शन जो है बच्चों को चूज़ करना है। जैसे अगर आपका बच्चा प्रमोट हो चुका है तो आप यहाँ पे प्रमोशन पे जाएंगे, और नेक्स्ट हमारे पास अगर नॉट पास है तो यहाँ पे आप नॉट पास पे जाएंगे। उसी तरह से नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए, हमारे पास यहाँ पे प्रमोटेड है तो हमारे पास यहाँ पे प्रमोट पे हो चुका है, और यहाँ पे उसकी एकेडमिक जो है हमारे पास मार्क्स कितने हैं वो आपको यहाँ पे देने होंगे। आप अपने रिजल्ट जो है उससे देख सकते हैं कि इसका जो परसेंटेज कितना आया है वो हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका जो है 87% आ रहा था, और एकेडमिक जो हमारे पास नंबर ऑफ स्कूल डेज कितने थे अटेंडेड उसने किए थे 2022 और 23 के लिए, तो यहाँ पे आप मेंशन कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे इस बच्चे के इतने जो है हमारे पास अटेंडेंस थी, तो यहाँ पे हमारे पास जो स्कूलिंग स्टेटस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे बच्चा जो है अभी से स्कूल पढ़ रहा है या इसने लेफ्ट आउट कर दिया विद टीसी के साथ या विदाउट टीसी के साथ, तो यहाँ बच्चा जो अभी ये पढ़ रहा है तो आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे।
इसी तरह से फ्रेंड्स अब यहाँ पे आपके पास सेक्शंस हैं, आप यहाँ पे सेक्शन चूज करेंगे। यहाँ पे हमने यहाँ पे सेक्शन डाल दी है फ्रेंड्स, और इसके बाद लास्ट में अपडेट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अपडेट पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक मैसेज आ चुका है, स्टूडेंट डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली, और आप ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डन हो चुका है स्टेटस इसका, और ये बच्चा जो है वो प्रमोट हो चुका है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से सभी बच्चे जो हैं आप जो हैं इसको अपडेट करेंगे। तो चलिए हम आपको सभी जो हैं क्लास जो हमारे पास केजी के थे उसको फर्स्ट में जाना है, तो हम यहाँ पे अपडेट करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने सभी बच्चों को यहाँ पे जो केजी क्लास के थे वो क्लास फर्स्ट में जो है अपडेट हो चुके हैं, और यहाँ पे सभी के आगे स्टेटस जो है डन दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लास्ट में फाइनलाइज लिखा गया, आप यहाँ पे फाइनलाइज पे क्लिक करेंगे। जैसे फाइनलाइज पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है प्रमोटेड हो चुके हैं 4, और यहाँ पे कन्फर्मेशन के लिए यहाँ पे आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे एक और पॉपअप मैसेज आ जाएगा यहाँ पे आपके सामने, यहाँ देख सकते हैं, और इसे आप ओके पे क्लिक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप नीचे एक मैसेज देख सकते हैं यहाँ पे, द प्रमोशन एक्टिविटी फॉर दिस सेक्शन हैज बीन ऑलरेडी कंप्लीटेड। ये कंप्लीट हो चुका है हमारा एक जो हमारे पास क्लास थी। तो फ्रेंड्स आप इसके बाद आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ स्क्रोल अप करेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लास हमारे पास केजी थी। अब यहाँ पे आप फर्स्ट क्लास को लेना चाहते हैं, आप यहाँ से फर्स्ट क्लास को क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास सेक्शन ए है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके ओके कर लेंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे तो फ्रेंड्स ये जो बच्चे हैं जो फर्स्ट क्लास के बच्चे थे, अब उनको सेकंड क्लास में जाना है, तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बच्चे जो हैं फर्स्ट क्लास वाले वो दिखाई दे रहे हैं। अब इन बच्चों को जो है प्रमोट करना है, और आपको फर्स्ट क्लास से सेकेंड क्लास में इसको प्रमोट कर लेना है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से सभी ये प्रोसेस करना है। तो चलिए हम आपको ये सभी बच्चे जो हैं अपडेट करके दिखाते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने सभी बच्चों को जो है क्लास जो फर्स्ट की हमने जो प्रमोट करके सेकंड में डाल दिया है। इस तरह से आपको सभी बच्चे यहाँ पे दिखाई देंगे, और यहाँ पे लास्ट में एरो है नेक्स्ट बटन जो है, आप बच्चे जो हैं यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। टोटल हमारे पास 8 जो स्टूडेंट थे वो सभी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कुछ जो स्टूडेंट यहाँ पे हमने रिपीटर भी आ चुके हैं, और यहाँ से रिपीटर के लिए फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे लास्ट ऑप्शन जो था हमारे पास रिपीटर बाय चॉइस, वो अपनी चॉइस के द्वारा जो यहाँ पे उन्होंने रिपीट किया था। और यहाँ पे आपको मार्क्स लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने जो है एग्जाम नहीं दिया, और अटेंडेंस आपको डालनी ज़रूरी है। और उसी तरह से आप सेक्शन डालेंगे और यहाँ पे आप अपडेट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये सभी हमारे पास स्टूडेंट हो चुके हैं, और यहाँ पे फाइनलाइज के लिए हम वापस यहाँ पे क्लिक करेंगे, और आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास 2 स्टूडेंट जो हैं यहाँ पे रिपीटर आ रहे हैं, और प्रमोटेड जो हमारे पास 6 हैं। टोटल हमारे पास 8 स्टूडेंट थे, वो कन्फर्म के लिए हम क्लिक कर लेंगे। जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, फिर मैसेज आ चुका है हमारे पास, जो क्लास फर्स्ट बच्चे थे वो अब प्रमोट होकर क्लास सेकंड में आ चुके हैं। ये हमारे पास ओके पे क्लिक करेंगे। उसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे नीचे मैसेज आ चुका है कि आप कंप्लीटेड, ये हमारे पास जो प्रोसेस हो चुका है। अब वापस जो हम यहाँ पे स्क्रोल अप करेंगे, और क्लास सेकंड के लिए यहाँ पे अब जो है अपडेट करने के लिए करेंगे, और यहाँ पे सेक्शन जो है आप यहाँ पे चूज कर लेंगे, उस तरह से गो पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स ये सभी प्रोसेस आपको इसी तरह से करना है। तो चलिए फ्रेंड्स आपको हम सारी क्लासेस जो हैं अपडेट करके दिखाते हैं। फ्रेंड्स सभी क्लासेस को अपडेट कर दिया, क्लास 5th जो हमारे पास लास्ट क्लास थी, और यहाँ पे जब भी आप लास्ट क्लास जो होगी वो यहाँ पे आप प्रोग्रेशन स्टेटस में जब क्लिक करेंगे, प्रमोट करेंगे बच्चे को, तो यहाँ पे स्कूल स्टेटस में आपको क्या होगा, आपको एक ही ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे, लेफ्ट स्कूल विद TC विदाउट TC, और इसके बाद आपको सेक्शन डालने की जरूरत नहीं होगी, और आप अपडेट कर लें। इसके बाद फ्रेंड्स आपको एक मैसेज आ रहा है, जिस तरह से हमारे पास यहाँ मैसेज आएगा इस तरह से आपको भी मैसेज आएगा, और आप इसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, वापस प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स आपके पास वापस जो तीनों ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे प्रोग्रेशन मॉड्यूल में आप फ्रेंड्स सबसे पहले तो आप व्यू समरी में जाएंगे, और अपनी समरी देखेंगे कि हमारे पास सभी बच्चे जो हैं वो उनका स्टेटस डन है या नहीं है। तो फ्रेंड्स आपके सामने स्टूडेंट्स नेशनल कोड जो है आपके सामने यहाँ पे 11 डिजिट्स का वो दे दिया है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास हर एक बच्चे का अलग अलग जो है हमारे पास यहाँ पे कोड दिया गया है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से यहाँ पे स्टेटस देखेंगे, हमारे पास सभी बच्चों का यहाँ पे स्टेटस जो है डन दिखाई दे रहा है। तो ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कूल डिटेल में दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये बच्चे जो है यहाँ पे छोड़ के दूसरे स्कूल चले गए। इस तरह से यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे जो है ब्लू कलर में दिखाई देंगे जो बच्चे जो है हमारे पास यहाँ पे ट्रांसफर हो चुके हैं। तो इस तरह से बच्चे जो है सभी दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आप अगर सभी बच्चे हो जाते हैं तो आप इसके बाद क्या करेंगे, प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे जाएंगे, और जो लास्ट यहाँ पे फाइनलाइज प्रोग्रेशन है आप इसे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने मैसेज आ जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो हमारे फाइनलाइज प्रमोशन फॉर एकेडमिक ईयर 2022-23 के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है, और स्कूल प्रमोशन जो हैज़ बीन फाइनलाइज्ड, आपके पास फाइनलाइज सारी जो है प्रमोशन हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद आपको क्या करना है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपको हम बताते हैं कि लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स की यहाँ पे हम क्लिक करते हैं।
हमने यहाँ पे कुछ स्टूडेंट जो हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके पास यहाँ पे आप एंट्री स्टेटस देखेंगे तो आपको कंप्लीटेड यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, आपको नॉट स्टार्टेड दिखाई देगा, इस तरह से आपको नॉट स्टार्टेड होगा। तो आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, आप घबराएं नहीं, आपको बता दिया जाए कि लास्ट टाइम भी हमने यहाँ पे हर एक स्टेटस को जो है एंट्री स्टेटस को हमने कंप्लीट किया था। मैंने यहाँ कुछ बच्चों का कर दिया है आपको बताने के लिए, मैं वापस से इसको जो है आपको करके दिखाऊंगा। फ्रेंड्स स्कूल डैशबोर्ड पर जाएंगे, जैसे स्कूल डैशबोर्ड पर जाएंगे आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी इनरोलमेंट यहाँ पे आ चुकी है 2023 और 24 की, और यहाँ पे आपको बच्चे अभी कुछ भी दिखाई नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप जो एक्शन बटन के आगे व्यू मैनेज है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे अभी नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, क्योंकि हमारे पास क्लास फर्स्ट में अभी हमने डाला नहीं है, तो हम सेकंड क्लास में डालते हैं। तो जैसे हम डालेंगे तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं, देख सकते हैं हमने यहाँ पे कंप्लीट किया हुआ है। उसी तरह से आपको किस तरह से कंप्लीट करना है, हम फिफ्थ क्लास ले लेते हैं। जैसे हम फिफ्थ क्लास लेंगे तो आपके सामने इस तरह से सभी बच्चे जो हैं यहाँ दिखाई दे रहे हैं जो फिफ्थ क्लास में अभी मेरे पास जो अपडेट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्म स्टेटस है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे फॉर्म टेस्ट स्टेटस में जीपी पे क्लिक करेंगे, हम जीपी पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारे पास जनरल जो प्रोफाइल है वो आपकी ओपन हो चुकी है। इस जनरल प्रोफाइल को आपको जो है सबसे पहले अपडेट करना है। आपके सामने यहाँ पे चार जो है हमारे पास सेक्शन दिए गए, इन सभी सेक्शनों को जो है वो क्रॉस करके जाना है और उसके बाद जो है आपका बच्चा जो है अपडेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम नीचे जो स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर लेंगे। ये हमारा पहला बच्चा था, वो यहाँ पे आपके पास एक मैसेज आ चुका है, आप इसे क्लोज कर लेंगे। तो जैसे क्लोज करेंगे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट बटन पे इसी तरह से हम जो है नेक्स्ट हमारे पास आ गया, इनरोलमेंट जो है हमारे पास प्रोफाइल है वो आ चुकी है। इस तरह से हम यहाँ बच्चों की देखेंगे कि इसकी एडमिशन कब हुई इस क्लास में, वो आप यहाँ पे डेट डालेंगे। चलिए यहाँ पे हम अपनी जो है 1st of April 2023 में जो इस बच्चे की जो है एडमिशन हुई थी वो आपने डाल दी, और इस बच्चे के जो हमारे पास रोल नंबर जो होगा क्लास रोल नंबर आप वो डालेंगे। देखिए हमने यहाँ पे डाल दिया है, और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हम जो यहाँ पे इंग्लिश जो है यहाँ पे चूज़ कर लेंगे मीडियम, और नेक्स्ट हम नीचे जो है यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर लेंगे। जैसे सेव बटन पे क्लिक करेंगे आपका इनरोलमेंट डाटा जो है सेव सक्सेसफुली आ चुका है, और नेक्स्ट बटन पे हम क्लिक कर लेंगे। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड स्टेप है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले में आपको यहाँ पे यस करना है, तो आप यहाँ पे यस करेंगे और फ्री टेक्स्ट बुक्स आपको मिल चुकी हैं, यूनिफॉर्म मिल चुका है, इस तरह से आप क्लिक करेंगे। उसके बाद जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो भी हमारे पास स्कॉलरशिप मिला है वो किसके द्वारा मिला है, स्टेट जो स्कॉलरशिप है आप यस कर लेंगे, और यहाँ पे हम अदर स्कॉलरशिप पे नो, और जितने भी हमें गर्ल है तो हमारे पास 675 रुपीज़ हमारे पास आए थे हर एक बच्चे के, तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। उसके बाद हम नीचे चलेंगे तो स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे हमारे पास नो था, डिसेबिलिटी नहीं था, तो नेक्स्ट हम जो है राइट साइड पे चलेंगे, यहाँ पे हमारे पास नो था, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे नो था, और हमारे पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है तो आप यहाँ पे यस कर लेंगे। उसके बाद जो टैलेंट है अगर तो आप डाल लेंगे, अदरवाइज नो ही लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे नो है, और लास्ट में एनसीसी भी नहीं था, तो हमारे पास यहाँ पे नो करने के बाद सेव कर लेंगे। जैसे ही सेव करेंगे आपके पास जो है फैसिलिटी डाटा सेव सक्सेसफुली हो चुका है, और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास लास्ट जो है पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं आप यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे कंप्लीट डाटा जो है इसे क्लिक कर लेंगे। जैसे इसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको मैसेज बोलेगा कि आपको कंप्लीट डाटा श्योर है, आप ओके कर लेंगे। हमने ओके पे क्लिक किया और आप देख सकते हैं कि डाटा कंप्लीटेड जो है हमारे पास हो चुका है। नेक्स्ट स्टूडेंट पे जाने के लिए आप यहाँ पे नेक्स्ट बटन स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, और आपका नया स्टूडेंट जो है यहाँ पे आ चुका है। इस तरह से फ्रेंड्स आप सभी बच्चों का करेंगे। तो चलिए हम आपको जल्दी से सभी दिखाते हैं और आपका जो स्टेटस जितने भी हैं वो कंप्लीट करके दिखाते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने सभी क्लासेस को अपडेट कर दिया, और हमारा जो एंट्री स्टेटस जो है वो कंप्लीटेड शो हो रहा है। आप देख सकते हैं हमने थर्ड क्लास को यहाँ पे जो है चूज़ किया, तो हमारे पास यहाँ पे अपडेटेड जो है वो हो चुके हैं। यहाँ पे नेक्स्ट फोर्थ क्लास के लिए भी हम देखेंगे, यहाँ पे एंट्री स्टेटस आपको कंप्लीट शो हो रहा है। इस तरह से फ्रेंड्स आप सभी क्लासेस का जो है आपको चेक करना होगा कि हमारा जो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास न्यू स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए फर्स्ट क्लास जो है हमारे पास अभी तक हमने बच्चे जो है ऐड नहीं किए, तो आप किस तरह से ऐड करेंगे, इस तरह से आपको बता रहे हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाएंगे, जैसे डैशबोर्ड पे जाएंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आप यहाँ पे क्लास फर्स्ट है इसमें ऐड करना चाहते हो, यहाँ से ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करके आप फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, जिस क्लास में भी आप ऐड करना चाहते हो कर सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं करना चाहते तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे व्यू मैनेज पे जाएंगे, जैसे व्यू मैनेज पे जाएंगे आपके सामने यहाँ पे क्लासेस दिखाई दे रही हैं, आप यहाँ पे कोई भी क्लास ले सकते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्लास का हमने कोई बच्चा जो है ऐड करना है, यहाँ क्लिक किया और ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास बच्चा जो है वो अपडेट कर सकते हैं। इसी तरह से हमने चारों स्टेप से यहाँ पे गुजरना और बच्चे को यहाँ पे ऐड कर देना। तो हम बैक चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से हम बैक करके आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास अगर क्लास
सेकंड का कोई बच्चा न्यू आया तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एंड जो भी क्लास का आपका होगा वो अपडेट कर सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे ऐड स्टूडेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये पूरी जानकारी थी कि किस तरह से हमें प्रोग्रेशन जो है एक्टिविटी को यहाँ पे हमने डालना है और बच्चे को जो अपडेट करके यहाँ पे आपको बताना है। तो फ्रेंड्स ये पूरी जानकारी हो चुकी है यूडाइस प्लस पे, आपको इस तरह से अपने स्टूडेंट्स जो है अपडेट करना पड़ेगा और आपको यहाँ पे लास्ट में फाइनलाइज प्रोग्रेशन पे जाके आपको देखना पड़ेगा कि हमारे बच्चे जो है वो अपडेट हुए हैं या नहीं हुए। तो फ्रेंड्स उसके बाद जो है आपको जो है न्यू क्लास में जो है उसमें एंट्री स्टेटस को आपको कंप्लीट करना होगा। तो फ्रेंड्स ये पूरी जानकारी आपको मिल चुकी होगी, अगर कोई भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही था, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय, टेक केयर।